वीडियो में दिख रही इस ऊंटनी के दरिंदों ने आगे के दोनों पैर काट दिए हैं। ये तस्वीरें कमोबेश वैसी ही हैं जैसी कुछ दिन पहले केरल में एक हथिनी के साथ हुई दरिंदगी की तस्वीरें सामने आई थी। केरल में जहां एक हथिनी को विस्फोटक खिलाकर बेरहमी से मार दिया गया था, वहीं इस वीडियो में दिख रही ऊंटनी के दरिंदों ने दोनों टांगे काट दी हैं, जिसकी वजह से दर्द से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। ये वीडियो राजस्थान के चूरू जिले का है, जहां सरदार शहर तहसील के साजनसर गांव में बेजुबान से बर्बरता का मामला सामने आया है। खेत में घुसने पर तीन दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार करते हुए 4 साल की ऊंटनी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। दरिंदों ने ऊंटनी पर कुल्हाड़ी से कई वार किए, उसके आगे के दोनों पैर काट दिए। कई घंटों तक दर से तड़पने के बाद ऊंटनी ने दम तोड़ दिया। तीनों आरोपियों पन्ना राम मेघवाल, गोपी राम मेघवाल और लिछमण राम मेघवाल के खिलाफ सरदार शहर थाने में नामजद मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। नामजद तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया, उनसे अनुसंधान किया जा रहा है। और ऊंटनी की भी रात को मृत्यु हो गई, जिस पर बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पे और अनुसंधान से आगे की कार्रवाई शुरू। बताया जा रहा है, गांव की गोचर भूमि में पशुओं को चरा रहे नोपाराम जाट ने वो मंजर देखा, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हाथ में कुल्हाड़ी लिए दरिंदे बेजुबान ऊंटनी पर हमला कर रहे थे। नोपाराम और उसके साथी ने ऊंटनी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरिंदों ने उसकी एक नहीं सुनी और कुल्हाड़ियों से ताबड़तोड़ हमला करते रहे। घायल ऊंटनी को कल्याणपुर गांव की गौशाला में इलाज के लिए ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।